जिस देश में बेटी को माँ का दर्जा दिया जाता है, जिस देश में बेटी को पढ़ाने की बात की जाती है, उसी देश में अगर एक बेटी के साथ बलात्कार हो और वो भी 6 साल की बेटी के साथ, ऐसा ही एक मामला प्रदेश उत्तराखंड में देखने को मिला। उत्तराखंड को देवभूमि के तौर पर पूरे देश और दुनिया में जाना जाता है, लेकिन वहीं के रुड़की के एक क्षेत्र में कुछ अज्ञात लोगों ने एक माँ और उसकी 6 साल की बेटी के साथ बलात्कार कर उसे रास्ते में फेंक दिया। बेटी और माँ दोनों की ही हालत इस समय गंभीर है और वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं। जरा देखिए आगे आखिर मामला क्या है। देर रात्रि वो बच्ची 5 साल की बच्ची आई थी, इसके साथ में कुछ दुर्व्यवहार हुआ है और रात में बच्ची काफ़ी बीट भी कर रही थी, तो रात में ही माइनर सर्जरी कर दी गई थी और अभी हम लोगों ने अभी 1 घंटे पहले उसकी पूरे मेजर सर्जरी करके उसको पूरा रिपेयर कर दिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पूरी सरकार एक्शन मोड में आ गई। पुलिस हेडक्वार्टर से लेकर हरिद्वार SSP तक लगातार इस पर पूरी तरह से एक्शन मोड पे आते हुए बिल्कुल सजग नजर आए और इसको लेकर 4 टीमों का गठन किया गया, जिसके नेतृत्व कर रहे थे SP परमेंद्र डोभाल। मामला जब खुलकर सामने आया तो बेहद चौंकाने वाला था। लाइन कोतवाली में एक अभियोग पंजीकृत कराया गया था, जिसमें एक वादिया द्वारा ये बताया गया कि कुछ लोगों द्वारा उसकी बिटिया के साथ और उसके साथ रेप किया गया है। पुलिस ने तत्काल मौके को संज्ञान में लेते हुए जो भी लोग इसमें वेयर अबाउट्स हैं, सारी चीज़ों को हम लोग पता लगा रहे हैं कि लड़की कलियर, ये महिला जो है कलियर से चली थी, तो जिस व्यक्ति के साथ ये वहाँ से चली थी, जिस व्यक्ति के साथ ये इसने आगे जाना बताया है, कुछ नाम सामने आए हैं, पुलिस ने आइडेंटिफाई कर ली है और जल्दी ही इसका पटाक्षेप करेंगे। मामला बेहद संगीन था, एक 6 साल की बच्ची और उसकी माँ से बलात्कार का था, इसलिए पुलिस की टीमों ने आसपास के सभी जिलों में दबिश देनी शुरू कर दी और आए सामने 5 वो बेरहम जल्लाद जिन्होंने 6 साल की बच्ची को और उसकी माँ को इस हालत में छोड़ दिया कि आज वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। जो भी एक आध बातें उसने बताई महिला ने, वहाँ से हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की और इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस, डम डाटा और CCTV की फुटेज और साथ साथ जो हमारे मुखबिरों का जो जाल होता है, इनके द्वारा हमने लगभग 100-150 लोगों से पूछताछ करी, कम से कम 200 से ऊपर जो CCTV है वो खंगाले, दर्जनों कॉल डिटेल्स को एनालाइज किया और अंततः फिर ये घटनाक्रम निकल कर सामने आया कि एक व्यक्ति इसको बहला फुसला के अपने साथ ले गया था, उसने इसके साथ दुष्कर्म किया। जब ये हो रहा था तो एक कार वहाँ पर आके रुकती है जो कि जिसमें 4 व्यक्ति सवार थे, ये इसको अपने साथ ले जाते हैं, इसको और बच्ची को, और आगे चल के फिर वो कार में जो लोग थे वो इसके और बच्ची के साथ दुष्कर्म करते हैं। उसके बाद जब बच्ची की ब्लीडिंग होने लगती है तो उसको रास्ते में फेंक के ये लोग अपना भाग जाते हैं। ये मुजफ्फरनगर और सहारनपुर के रहने वाले हैं। इस घटना में जो प्रयुक्त कार है वो भी सहारनपुर जनपद का उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है और वो कार भी बरामद हो गई है, जो मोटरसाइकिल है वो भी बरामद हो गई और सारे अभियुक्त पकड़ लिए गए हैं। जिन टीमों ने उन 5 दरिंदों को गिरफ्तार किया उनके लिए ₹75,000 का इनाम तो पुलिस ने घोषित कर दिया, लेकिन सोचने का विषय ये है कि जिस देश में माँ का दर्जा दिया जाता है बेटी को, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ की बातें की जाती हैं, उस देश में अगर इस तरीके के दरिंदे रहेंगे तो आखिरकार इस देश का होगा क्या? ऐसे जघन्य अपराध करने वालों का हाल क्या होगा ये तो कानून तय करेगा, लेकिन समाज के उन ठेकेदारों को भी सोचने की जरूरत है कि आखिरकार समाज की इस बुराई को दूर करने के लिए कैसे और कब किस तरीके से कदम उठाए जाएं। क्राइम पेट्रोल के लिए रुड़की से अफजाल अहमद की रिपोर्ट।